नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल पे। मैं हूँ ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आज के वीडियो पे मैं ऐसे विषय पे मैं डिस्कस करने में एक ही ऐसी घटना घटित हुई है जो समाज के विभिन्न तबके के जो लोग हैं वो उससे बहुत भी प्रभावित हुए हैं, और वो लोग हमारे जो अर्थव्यवस्था उसका एक अहम पहिया कह सकते हैं या उसका एक अभिन्न अंग कह सकते हैं। उसी विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित आया हूं। और अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ अवश्य कहना चाहूंगा, अगर जो वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें। अगर ये जानकारी अगर जो आप दूसरे लोगों तक आप पहुँचाना चाहते हैं, किसी का भला करना चाहते हैं, या जो ले मैन है उसको जानकारी नहीं हो पाती है, तो फिर इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर जो इस तरीके की जानकारी और अगर जो ऐसी ही अन्य जानकारी और किसी अहम मुद्दे पर जो जो हमारे समाज में घटित घटनाएँ हैं उन्हें पर आधारित, और अगर जो किसी इसी तरह की अगर जो वीडियो या विषय पर चर्चा करने के लिए आप अगर जैसी वीडियो आप देख दोबारा देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो शुरू करने में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वीडियो पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, अदरवाइज कोई भी एक अहम मुद्दा या अहम कोई जानकारी वो मिस हो जाएगी, या फिर कोई एक लिंक जो बीच में अगर जो मिस हो गया तो फिर आगे की पूरी जानकारी आपको समुचित रूप से नहीं मिल पाएगी। तो इसी वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी के लिए देने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित आया हूँ कि जिसमें आज मैं अभी हाल ही में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री की सरकार है और माननीय गृह मंत्री ने जो बिल पेश किया उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता और इसके साथ में सच अधिनियम, इन दोनों को संशोधित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक नए तरीके से, एक नए रूप, एक नया स्ट्रक्चर देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पूर्व में एक किसी अधिवेशन में या किसी सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे जो गुलामी के प्रतीक हैं, जो हमें आभास कराते हैं कि हम अभी भी गुलाम होने की, यानी कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उस समय के भी कोई भी कानून या कोई भी अगर जो ऐसी चीज़ बचती उसको हम समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे, तो उसी की कड़ी में एक अहम मुद्दा, एक आगे का एक प्रयास किया गया हमारे जो भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाइलो द्वारा इनैक्ट की गई थी, उसको संपादित किया गया था, बनाया गया था, और उसके साथ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट को, इन सभी को अमेंडमेंट करके एक नए रूप में आज के समय में आज की ज़रूरत के हिसाब से उसको सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पहले की वीडियो में मैं बिल्कुल बता चुका हूँ और आज मैं फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जैसे कि अगर जो कोई साइंस है वो समाज के आगे चलती है, यानी समाज में कोई आविष्कार अगर जो कोई होता है फिर उसके बाद समाज उसको उस जो एक नए इक्विपमेंट या नए या कोई दूसरे शब्दों में कहें या अगर जो कोई नया कोई इंस्ट्रूमेंट अगर जो उसका आविष्कार होता है तो उसको समाज के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है, फिर उसका यूज़ होने लगता है। लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में पहले कोई समस्या पैदा होती है, यानी कि सोसाइटी आगे चलती है, लॉ उसके पीछे चलता है। अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम इनैक्ट हुई है, कोई अराइज हुई है, तो उसको कंट्रोलिंग करने के, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो लॉ है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बाद में उसको लॉ बनाया जाता है। सर्वप्रथम हम ये भी देखेंगे कि जो एक महत्वपूर्ण तत्व है कि जो IPC है, भारतीय दंड संहिता, वो बनी थी 1860 में। उसमें एक प्रोविज़न है 304A, रैश एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात करता है। उसमें ये प्रोविज़न कोई भी अगर जो गलती से या उसकी नेग्लिजेंस, लापरवाही से अगर जो कोई घटना घटित होती है, उसमें अगर जो किसी की मृत्यु हो जाती है, एक की हो या कई की हो, ऑफेंस सेम है, तो उस अपराध को जो कारित करने वाला व्यक्ति है उसको मैक्सिमम 2 साल की सजा या फाइन से उसको दंडित किया जाएगा। माननीय जो प्रधानमंत्री उनके सरकार द्वारा उसको संशोधित करके उसी धारा को सेक्शन 106 और क्लॉज 2 में, उसमें ये एक प्रतिपादित किया गया हुआ है। उसमें क्या क्या आज के समय में क्या वर्ड यूज़ किए गए हैं, कुछ का आपने सुना होगा, देखा होगा, कोई भी समुचित तथ्य या एकत्रित जानकारी नहीं है कि सब किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा, लेकिन एकत्रित जानकारी न होने के कारण जो अभी हाल ही में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कहे जाने वाले जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो ड्राइवर का काम करते हैं, उनके द्वारा संपूर्ण भारत में एक साथ उनको हड़ताल करनी पड़े। हड़ताल करने का वजह सही है या नहीं सही है, कितना उचित है, कितना उचित नहीं है, तो ये पूरा वीडियो देखने के उपरांत ही आप तय करिएगा कि ये जो हड़ताल जो ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं ये उचित है या नहीं उचित है। तो सर्वप्रथम जो आज की वर्तमान में सेक्शन 106 न्याय संहिता की जो धारा क्लॉज 2 उसमें कहते क्या है, उसमें उसका परिभाषित कैसे किया गया है, तो एक नज़र उस पर देख लेते हैं।
whoever causes death of any person by rash and negligence, driving of vehicle, not amounting to culpable homicide, यानी कि जो culpable homicide की श्रेणी में नहीं आएगा, and escapes without reporting, यानी कि वो होगा जो भाग जाता है बिना रिपोर्ट किए हुए, किसको, टू पुलिस ऑफिसर, यानी कि जो क्षेत्र के जो थाना है, यानी कि जो भार अधिकारी होगा थाने का वो, और मजिस्ट्रेट या जो मजिस्ट्रेट होगा, सून आफ्टर द इंसिडेंट, यानी घटना होने के तुरंत बाद जितनी जल्दी उसको हो पाएगा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ विच में बी एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड शैल बी लाइबल टू फाइन। अब आपको ये देखना है कि इसमें ये मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ है कि उसको, या नॉट लेस देन 10 ईयर नहीं है कि उसको 10 साल की सजा दी ही दी जाएगी। और ये भी बात जरूरी है कि अगर जो उसने कोई, अगर जो सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में अगर जो उससे गलती हो गई है, जाहिर से तौर पे कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है मानता हूँ, और उसके बाद भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इतनी सिचुएशन जरूर कंट्रोल में रहती है, कोई भी जैसे कि हिट एंड रन, अगर इंसिडेंट हो गया उसको अस्पताल ना पहुंचा के सीधे अगर जो वहाँ घटनास्थल से भाग जाते हैं, तो अब उसमें अगर जो भाग जाते हैं तो अगर जो उस व्यक्ति को, अगर जो उसको सही समय पर अगर उसको निकटतम अस्पताल में उसको अगर जो पहुंचा दिया जाए, तो हो सकता उसकी जो इंजरी का जो लेवल है वो कम हो जाए, या उसकी जो जान जाने वाली होगी वो उसकी जान भी बचाई जा सकती है। तो इस स्थिति में जो जानबूझ के जो कृत्य किया गया है, ये जानबूझ के घटना की गई है, ये ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस दिखाता है, ये ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को प्रूफ करने के लिए जो अंत में प्रूफ होगा ड्यूरिंग द ट्रायल के बाद, तो उसमें तय होगा कि उसको ऑफेंस में जो उसकी सजा कितनी दी जाए। ये जरूरी नहीं कि उसको 10 साल तक दी जाए, वो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस के बाद देखा जाएगा कि उसको 1 साल देना चाहिए, 2 साल की सजा होगी, 3 साल या 4 साल जैसा भी हो। सर्वप्रथम अगर जो व्यक्ति की उसने घटना कारित कर दी है, अगर जो उसको सही समय पर अगर जो उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाए, या उसको किसी जो उसके अनावश्यक या जो अपरिहार्य कारणों से उसकी जान जो बचाई जा सकती है उसको अगर जो बचाने का प्रयास किया जाता है, तो उसकी जो ऑफेंस की ग्रेविटी वो कम हो जाएगी। लेकिन अभी जो मैं एक वीडियो देख रहा था टीवी चैनल पे, उसमें जो एक कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष थे, उनका ये कहना था कि अगर जो घटनास्थल होने के बाद अगर जो वो व्यक्ति या ड्राइवर वो अगर जो पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचना देने जाता है या उसको रिपोर्ट करने जाता है, तो हो सकता है भीड़ की वजह से भीड़ ने उसको, या भीड़ जो एकत्रित हो जाती है वो उसको पीटना ना शुरू कर दे। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप अभी तक करते हैं हिट एंड रन की जरूर केसेस, अगर जो ये भी जरूरी है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं आप उसको तुरंत भीड़ को इन्फॉर्म करिए, ये भी जरूरी है कि आप उसको किसी भी माध्यम से पुलिस को या मजिस्ट्रेट को उसको आप इन्फॉर्म कर दीजिए, जिससे उसको सही समय पर सही जो जरूरत थी उसका जो इलाज है वो हो सके। एक चीज़ और इसके जो ड्रॉबैक है, जो बैक थोड़ा सा जाके देखते हैं, सन 1860 में जो ये ऑफेंस बन के लिए जो ये लॉ बना था, उस वक्त की इसकी सजा थी 2 साल। अब वर्तमान में और 1860 का कंपेयर करिए कितना चेंजेस हुआ है। 1860 में जो ये ऑफेंस बना था नेग्लिजेंस के लिए, नेग्लिजेंस के अगेंस्ट में कितने गाड़ियां हमारे देश में थी, कितने जो व्हीकल्स थे जो ट्रांसपोर्ट थे या कॉमर्शियल थे या प्राइवेट गाड़ियां थी, कितनी थी, या केवल इमेजिन करिए उस वक्त के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से अगर जो कोई भी जो गाड़ी होती थी, जाहिर से तौर पर थी तांगा गाड़ी थी या बैलगाड़ी थी, और इसके अलावा कोई भी मोटर इंजन से कंट्रोल होने वाले कोई भी व्हीकल किसी भी आम आदमी पब्लिक या ट्रांसपोर्ट पे उस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो उस वक्त की नेग्लिजेंस का जो ऑफेंस कारित करने की सजा 2 साल रखी गई थी। तो उस वक्त अगर जो किसी की अगर जो बाय मिस्टेक अगर जो गलती से किसी को अगर ठोकर या कुछ गलती से अगर जो टक्कर हो भी जाती थी, तो जाहिर से तौर पर अगर जो बैलगाड़ी से अगर किसी को धक्का लगेगा तो जाहिर से तौर पर अगर गिर भी गया तो उसको खरोच आएगी या स्क्रैच आ सकते हैं, वो उसकी जान से जाने की उसकी जो ग्रेविटी है वो नहीं आएगी, यानी कि उसको जान जाने की जो उसकी ग्रेविटी थी, संभावना थी, वो बिल्कुल नहीं थी। आज के समय में अगर जो कंपेयर करके देख लीजिए कि वर्तमान में जो गाड़ियों का लेवल है, जो 4-व्हीलर है और जो कमर्शियल ट्रक है, उनकी स्पीड क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है और फैसिलिटीज क्या है,
वो मैं गाड़ियों के फीचर में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जो कि 1000 1500 सीसी तक की जो बाइक है उनकी क्या वॉल्यूम होगी, वो क्या उनकी इन्फोर्समेंट होगी कि अगर जो किसी को अगर जो गलती से हिट भी हो जाए तो आम आदमी जो जा रहा होगा उसकी क्या स्थिति होगी। तो उस हिसाब से अगर जो उस समय अगर जो उस ऑफेंस की अगर जो ग्रेविटी को देखते हुए सारी जो टक्कर और चोट को देखते हुए जब ये इनैक्ट की गई थी तब वो 2 साल रखी गई थी, आज वर्तमान में अगर जो उसकी 5 साल या 10 साल तक रखी गई है तो मेरे हिसाब से उस कंपैरिजन में उस चोट के हिसाब से या जो ग्रेविटी या किसी के लाइफ की अगर जो सवाल है तो उस स्थिति में ये सजा भी बहुत ही उस कंपैरिजन में इतनी नहीं हो पाई है। एक चीज़ और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस लॉ को बनाने और लागू होने से बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ों को जो स्वरूप है उसका जो ऑफेंस होने वाला है वो होने से रुक सकता है। अब जाहिर से तौर पे अगर जो इसमें आपने सद्भावना पूर्वक जो गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें आपने कॉपरेट कर दिया इंक्लूड कर दिया तो हो सकता है आपकी जो सज़ा हो जाए कम हो जाए, तो आप सारा कॉपरेशन करते हुए आप अपनी सज़ा को कम कर दीजिए। तो हमारी जो सरकार ने ये एक प्रयास किया है कि किसी भी जान बचाने का उसका भरपूर प्रयास किया जा सके, अगर जो आपने उस व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट हो गया उसका अपने आपने अगर जो जान बचाने का प्रयास किया है तो ये प्रूफ करता है कि आपकी गलती हुई थी, गलती को आपने सुधारने का प्रयास किया है। अगर जो आप कहीं किसी किसी को ठोकर मार के निकल जाते हो तो इट मीन्स आपने ये जानबूझ के किया गया है और आप अब उसके जान बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहते हैं और आप वहाँ घटनास्थल से भाग गए हैं और किसी भी पुलिस ऑफिसर को किसी भी मजिस्ट्रेट को आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप की जो वाहन चला रहे हैं या आप जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो सद्भावना पूर्वक ये कृत्य आपका बिल्कुल भी नहीं है। इसके अतिरिक्त एक तथ्य और सामने निकल के आता है जो मेरे विचार से, क्योंकि प्रैक्टिशनर एडवोकेट होने के नाते जो समाज में और जो लॉ में और जो जुडिशरी में जो कोर्ट में जो प्रॉब्लम अराइज होती है उनको कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी मुझे पता है, और कैसे उनको रेगुलेट किया जाता है और क्या घटनाएं कारित होने के तथ्य में क्या फर्क होता है और एक्चुअली ड्यूरिंग द ट्रायल में उसको किस तरीके से पेश किया जाता है, उसमें क्या नजरिया रखा जाता है, उस पर भी मैं थोड़ा सा एक मैं बिंदु रखना चाहूंगा आपके समक्ष। मान लीजिए वर्तमान में जो अभी जो लॉ चल रहा है जो प्रचलित है उसके हिसाब से थोड़ा सा एक बिंदु पे विचार कर लीजिए, किसी घटना से अगर जो किसी की हानि हो जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, केस रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर्ड होके जो विवेचनाधिकारी है उसने चार्जशीट फाइल कर दी, चार्जशीट कोर्ट में आ गया, अब यहाँ से खेल शुरू होता है। अब जो वाहन स्वामी है जो मोटर मालिक है वो जाहिर से तौर पे है जो रजिस्टर्ड जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा जाहिर सी फीस है उसकी जो मजदूरी होगी वो कुछ ज़्यादा होगी, अन किसके अपेक्षा में उस मजदूर या उस ड्राइवर के अपेक्षा में जिसके पास वैध जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मोटर मालिक या जो वाहन के जो स्वामी है वो जिसके पास लाइसेंस नहीं है गाड़ी उससे चलवाते हैं, अगर जो खुदा न खास्ता किसी से अगर जो एक्सीडेंट हो जाता है तो अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है कि अब उसको जिसके पास डीएल नहीं है उसको पेश ना करके किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य अपने मित्र या निकट संबंधी को जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको उस जो FIR दर्ज है उसके सामने उसको पेश कर देते हैं और ये उससे बयान दिलवा देते हैं कि इसके द्वारा जो वाहन चलाया जा रहा था और जो घटना घटित हुई है इसके द्वारा घटित हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो केस को मैनिपुलेट कर दिया जाता है और अंततः जो ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस हो जाते हैं और उनको बाहर से ही विदाउट किसी इम्प्रिजमेंट के बिना जेल जाए अगर जो वो अपने जुर्म स्वीकार भी कर लेता है तो एग्जीक्यूटिव केवल फाइन पे उसको छोड़ भी दिया जाता है। तो ये सब अगर जो ये जो प्रथाएं ये जो प्रचलित हैं हमारे समाज में कहीं ना कहीं से जो हमारे जुडिशियल जो प्रोसीडिंग उसको कहीं ना कहीं से ऐसी जो ये एक्टिविटीज़ है वो दूषित कर रही हैं, तो अगर जो इस तरह के कानून अगर जो इन्फोर्समेंट में लाया गया, अगर जिसमें पनिशमेंट बढ़ाया गया, अगर जिसको लागू किया गया सही तरीके से, तो इस तरीके से जो जो मेल फंक्शन और मेल एक्टिविटीज़ जो हमारी जुडिशरी में या जो हमारे समाज में और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो एक्टिविटी का जो खेल होता है इस पर कहीं ना कहीं से ये अंकुश लगाया जा सकता है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए मैं आगे भी कर सकता हूँ लेकिन समय पर्याप्त न होने के कारण मैं अंततः यही कहना चाहूँगी कि ये आपको डिस्कस करना है या आपको तय करना है कि जो अभी हाल ही में जो 2-3 दिन का जो हमारे देश के जो संपूर्ण जो यूनियन है ट्रक ड्राइवर की जो यूनियन है उसमें संपूर्ण रूप से उसको हड़ताल पे स्ट्राइक पे गए उसको कहाँ तक सही है कितना सही है कितना गलत है। हो सकता है इस तथ्य को विचार करने के बाद आपको भी ये लगे कितना सही है कितना गलत है, जैसा भी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नई चर्चा में एक नए विषय पर।
तब तक के लिए अगर जो आपकी कोई क्वायरी है, कोई आप कमेंट है, आप हमसे कोई निजी जानकारी जानना चाहते हैं, तो संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे भी है और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल मेंशन है और उसमें आप अपना करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आप हमसे जो भी आपकी एडवाइस है हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियो अगर जो पसंद आया हो उसको लाइक कर दीजिए, ये जानकारी अगर जो दूसरे लोगों तक आप पहुँचाना चाहते हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर जो ऐसी ही वीडियो और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं भविष्य में तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले समय में आपको ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।